अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ राबिया रफीक। बढ़ते हैं हेडलाइंस की तरफ। वतन की राह में पाक फौज का एक और जवान कुर्बान। शहीद लायंस नायक तैमूर की नमाज जनाजा आज 11 बजे अदा कर दी गई। लायंस नायक तैमूर बुजदिल दुश्मन भारत की फायरिंग से शहीद हुए। शहीद तैमूर की 2 साल कबल शादी हुई थी, बेटे की शहादत ने सर फखर से बुलंद कर दिया। शहीद के वालिद की गुफ्तगू। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री आमद। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अहम केसेस की समाअत करेगा। जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मंजूर अली शाह भी बेंच में शामिल। मुकदमात की समाअत बार एक काज लिस्ट और फिर यकीन को नोटिस जारी कर दिए गए। महकमा रेलवे के दावे हजार सब के सब बेकार। ट्रेनों का शेड्यूल बहाल न हो सका। लाहौर आने जाने वाली तमाम ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार, मुसाफिर परेशान। कराची एक्सप्रेस 6 घंटे 20 मिनट लेट, जबकि पाक बिजनेस 5 घंटे बाद भी मंजिल पर न पहुंच सकी। गर्मियों की तातीलात खत्म हो गई, शहर के तमाम तालीमी अदारे खुल गए। छुट्टियों के बाद पहले रोज तलबा की हाजिरी मामूल से कम। रोजमर्रा की सरगर्मियों का भी आगाज। पंजाब सिविल सेक्रेटरिएट समेत सरकारी अदारे भी खुल गए। लाहौर की मुख्तलिफ मार्केटों की रौनकें बहाल होने लगी। आज लाहौर में सूरज और बादलों की आग मचोली जारी। गर्मी और हफ्स की शिद्दत में इजाफा। हवा 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई भी कर दी। पसरूर थाना सदर की हदूद में 30 साल खातून ने अपने 2 कमसिन बच्चों समेत बीआरबी नहर में छलांग लगा दी। खातून ने शोहर के लड़ाई झगड़े से तंग आकर नहर में छलांग लगाई। रेस्क्यू 112 ने खातून की लाश बरामद कर ली, जबकि दोनों बच्चों की तलाश जारी है। न्यूज रूम से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज़।